मोदी सरकार एक बार फिर से आ रही है। आप जब जीतते हैं तब कहते हैं ईवीएम ठीक था, जब आप हार जाते हैं तो ईवीएम खराब है। पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रवक्ता सुवेंदु जी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, नतीजे आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले इसके लिए? हम सरकार बना रहे हैं, मोदी सरकार एक बार फिर से आ रही है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई आप 400 पार नहीं आए हैं। हमने लक्ष्य रखा, लक्ष्य हर व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा रखता है, पर ऐसी 10 साल के बाद भी मोदी जी को लेके लोग इतना उत्साहित हैं तो मेरे को लगता है कि सीटें कुछ कम ज़्यादा हो सकती हैं। पर सर, इंडी गठबंधन की भी 227 सीटें आ चुकी हैं, तो कहीं लग रहा है कि मुकाबले में टक्कर वाला है? कहीं नहीं, देखिए ये जो रुझान है वो पक्के रुझान आ चुके हैं। 10-12 सीटें हमको लगता है कि हम 310-315 के आसपास जाके कहीं रुकेंगे फाइनली, और वो लोग 260-265 के आसपास जाके रुकेंगे। अच्छी बात यह है कि हमारा विपक्ष भी मजबूत हुआ है इस बार, और भारत के लोकतंत्र के लिए मजबूत होना चाहिए विपक्ष भी। सर, लगातार भारतीय जनता पार्टी 400 का नारा बोल रही थी, क्या लगता है कि अब जो 400 पार का जो नारा था वो बोलना थोड़ा जल्दी हो गया, क्योंकि 400 तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल लग रहा है? 400 का हमने टारगेट रखा था, उसके लिए काम भी किया था हमने, और हमारा विपक्ष उसी में आ गया, बोले 400 नहीं आएगा। वो उसने ये कहीं नहीं कहा कि 400 की बात ही नहीं कर रहे हैं, सरकार हमारी आएगी या हम बहुमत में आएंगे। वो इसी बात में फंसा रहा लास्ट तक कि भाई 400 नहीं आएंगे। हम भी चाहते थे कि वो 400 में फंसा रहे, सरकार हम बनाए, तो वो हमारे लक्ष्य के कारण डिस्टर्ब रहा, और अच्छा है। देखिए सर, जब जब चुनाव आते हैं तो ईवीएम सुर्खियों में बनी रहती है, तो क्या लगता है कि हाँ, अभी विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि अगर 300 से ज़्यादा सीटें आती हैं भारतीय जनता पार्टी की तो इसमें ईवीएम का गड़बड़ी हो सकती है, तो इस पर क्या कहना चाहिए? आप जब जीतते हैं तब कहते हैं ईवीएम ठीक था, जब आप हार जाते हैं तो ईवीएम खराब है। यदि ईवीएम को ही सेट करना था तो हम 400 पार बड़े आराम से चले जाते, पर ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में हम सब लोगों को जनता की बातों का, जनता के आशीर्वाद को ध्यान रखना चाहिए, और कभी ना कभी किसी ना किसी को यही चुनाव में जहां आप जीतते हैं ईवीएम की आप पूजा करते हैं और जहां हारते हैं उसको गाली देते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। तो सर, ये इस बार पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी फिर से आ रही है? हाँ, आपको दिख ही रहा है, पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आ रही है, और साथ में हम जो अगले 5 साल और मेहनत से काम करेंगे। थैंक यू। ये थे सुवेंदु त्रिवेदी जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी अपनी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। कैमरा पर्सन दिलीप कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब के सी.com दिल्ली।